नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इमाम चौक गोडाबाद से विश्वकर्मा मंदिर जाने वाले रास्ते पर सोमवार मध्यरात्रि को राह चलते तीन युवकों पर हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जोशियों का गांव गोडाबास इमाम चौक निवासी अहमद राजा अपने दो दोस्तों के साथ किसी काम से विश्वकर्मा मंदिर की तरफ जा रहा था। इस दौरान रास्ते में गोपाल सोनी नाम के व्यक्ति सहित पांच से सात अन्य जनों ने तीनों लड़कों पर लोहे के सरिया और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे एजाज अहमद के नाक के ऊपर गहरा कट लग गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही उसके दोस्त साजिद और मोहम्मद आसिफ के भी गंभीर चोट आई है। राहगीरों ने उन्हें मकराना के राजकीय उपजिला चिकित्सालय पहुँचाया। मकराना थाना अधिकारी राजेश डूंडी में पुलिस जाप्ता के मौके पर पहुंचे और घायल लड़कों के बयान का जायजा लिया। पुलिस को एजाज के पिता अहमद राजा ने लिखित में रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस मामले की गहरी से जांच कर रही है।